किरण, क्या ट्रेड किया आज आपने? देखिए, निफ्टी पे तो लॉन्ग पोजिशंस ही बने रहे और 10,200 का स्टॉप लॉस रहेगा और 10,250 क्रॉस करने की हम राह देख रहे हैं। जैसे ही क्रॉस करेगा हम एग्रेसिवली लॉन्ग पोजिशंस ऐड करते नजर आएंगे। 10,320 के टारगेट देखने में मिल जाने चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सिप्ला में लॉन्ग पोजिशंस है, एनबीसीसी में लॉन्ग पोजिशंस है और पीएफसी में अभी अभी लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट कर चुके हैं। तो ये तीनों काउंटर्स काफी अच्छे हैं, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज भी इसमें हमने सजेस्ट किए हमारे क्लाइंट्स के लिए। किरण, आपका व्यू चाहिए आइडिया पे, एक बार प्रॉफिट बुक कर ले क्या? किसी के पास 80 या 80 के नीचे की बाइंग हो, 7-8 रुपए आइडिया के अंदर इस तरह का मूव 2-3 दिन में मिल जाना बहुत है। बिल्कुल, प्रॉफिट बुक ही करना चाहिए क्योंकि 90-91 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली भी हमने रैली देखी थी जो जून महीने में आई थी, जो कि करीबन 76 से लेके 97 तक गई थी। उसी तरह की रैली हमने आप भी देखी है और मेरा मानना है कि इधर प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेनी चाहिए। कुछ एक और सजेशन आप देना चाहेंगे किरण, आपकी तरफ से कोई और कॉल्स इस समय मार्केट के अंदर आपको समझ में आ रही हो तो? देखिए, कैश मार्केट में डीबीएल है जहां पे एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिल रही है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक चल रहा है, तो इधर एक बाय करके चलना चाहिए। जहां पे अभी स्टॉप लॉस 770 के रहेंगे और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 815-816 के लेवल्स कल सवेरे तक, तो एक अच्छा खासा अप मूव इस स्टॉक में देखने को मिल जाना चाहिए। इसका एक फैंसी शेयर, इनफैक्ट वादा के दो फैंसी शेयर है, बेहतर शेयर जिनमें अच्छा मूव मिलता है, एक तो कावेरी सीड है और दूसरा है इन्फी बीम। ये शेयर आज ज्यादा तो नहीं चले लेकिन चल सकते हैं क्या, ये समझना होगा हमको। कावेरी सीड इस समय ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ बढ़ रहा है। किरण, एक बार जरा आप चार्ट देखेंगे कावेरी सीड के, 3% ऊपर है और ये 571 का शेयर, अभी क्या करना है इसमें? चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, डेटा में कोई खास ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को नहीं मिल रहा है, तो यही एक कंसर्न है। नहीं तो मेरा मानना है कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो 562 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस रहने चाहिए और मेरा टारगेट जो है जो करीबन 585-583 का आ रहा है उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। आज के वॉल्यूम भी देखे तो थोड़े से कम है, तो थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेके लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। एनबीसीसी, किरण थोड़ी देर पहले आप राय दे रहे थे, सिप्ला पे आपने राय दी थी, एनबीसीसी भी आपकी लिस्ट में था, 4.5% तो ऊपर आ ही चुका है, अभी होल्ड करें क्या? होल्ड करके चलना चाहिए और मुझे लगता है इधर से काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। 3 दिन पहले भी इधर एक अच्छे प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला था, उसके बाद 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज वापस एक अप मूव देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि इस सीरीज में काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। इधर एक डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं, मेरा मानना है कि एनबीसीसी में करंट लेवल्स पे बाय करके चलना चाहिए। 247 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 260-265 के लेवल्स कल या परसों तक मिल जानी चाहिए। प्रीमियम देखना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, पर मुझे लगता है कि 250 के कॉल ऑप्शंस इस महीने के अगर लेते हैं और 260 के कॉल ऑप्शंस बेचते हैं तो कवर्ड कॉल पोजीशन अच्छी खासी बनती नजर आएगी। किरण जरा आप मेरे को ये समझाएंगे कि ये टाटा केमिकल के अंदर हमको क्या करना चाहिए अभी? टाटा केमिकल ये भी एक काउंटर है जहां पे अच्छी खासी तेजी बनती नजर आ रही थी, आज सवेरे भी हमने रिकमेंड किया था ये स्टॉक। मुझे लगता है कि अगर 708 का स्टॉप लॉस रहेगा और लॉन्ग पोजिशन बिल्कुल बनती नजर आ रही है और करनी चाहिए। इधर भी ओपन इंटरेस्ट करीबन 11.75 का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरा मानना है कि कुल मिला के, और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कुल मिला के एक स्ट्रॉन्ग बाय बनता है और टारगेट्स के लिए 726-27 के लेवल्स कल फर्स्ट हाफ में देखने को मिल जाने चाहिए। 400 रुपए नीचे आ गया, ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग है या फिर कुछ सीरियस कंसर्न्स हैं, एक बार ये समझते हैं। किरण चार्ट पे, क्योंकि आप डेरिवेटिव्स को भी देखते हैं, इंडसइंड एक्टिव भी रहता है एफएनडी के अंदर, जरा देखेंगे इंडसइंड बैंक ये 1750 से आया नीचे नंबर्स के बाद, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही है ना? हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट बुकिंग है और थोड़ी सी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रही है, ज्यादा वरी करने की बात नहीं है। वर्स्ट केस सिनेरियो में और एक थोड़ी सी डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, पर वो उन लेवल्स पे बाय करने की सलाह होगी। वर्स्ट केस सिनेरियो में 1680 के लेवल देखने को मिल सकते हैं जहां पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा, वापस एक बार एक पुल बैक देखने को मिल जाना चाहिए। ठीक है।